मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पर्यावरण कार्ड देखा। आज हम पर्यावरण के कंपोनेंट्स देखेंगे और इन कंपोनेंट्स में हम खासकर जो हमारा समस्त पर्यावरण बना हुआ है और उसमें जो निहित कारक हैं उन कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। अब कारक में जैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं या जलवायु किन किन कारकों से मिलकर बनी हैं, मिट्टी, जल और वायु, ये सब जो हैं किस प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, हवाएं, आपकी वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ये सब जलवायु संबंधी घटक हैं। मिट्टी का तापमान, मिट्टी में पाए जाने वाले जैव तत्व, ये सब मिट्टी के घटक हो गए। जीव जंतु, वनस्पति जगत, ये सब जैव घटक हो गए, यानी क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स और एडैप्टिव कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारे जलवायु या पर्यावरण के कारकों के बारे में चर्चा होती गई तो इनके अंदर और अन्य कारकों को वैज्ञानिक जोड़ते गए। जैसे बल को जोड़ा, बल यानी फोर्सेस को, गुरुत्व बल और वायु के बल को जोड़ा है डॉबिन मिर ने। उसके बाद में आपके ऑगस्टिन ने जोड़ा है इसमें समय को भी, बल को भी जोड़ा और समय को भी जोड़ा। परंतु इस प्रकार से जो है वर्तमान समय में जो पर्यावरण के घटक बन कर के आए वो दो मेन हैं। कौन से दो मुख्य हैं? बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को हम या इन कंपोनेंट्स को हम भूगोल में जो खासकर हम देखते हैं तो वो अवस्थिति, लोकेशन, ज्योमेट्रिक लोकेशन, समुद्र व स्थलीय अवस्थिति या किसी वाइनिकल होती है किसी देश के संदर्भ में। अब इनको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अवस्थिति जो है बच्चों, लोकेशन भूगोल के अंदर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के ऊपर जो कोई जगह है या जिस जगह से कोई किसी स्थान से जो अक्षांश गुजरती है, जैसे हम कहते हैं भारत के मध्य से या गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर अहमदाबाद नगर से भारत के रांची शहर से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये तो हमने अक्षांश की बात करी। या जैसे हमारे देश की जो स्टैंडर्ड पैरेलल टाइम लाइन है वो ये है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो हम बोलेंगे ये इलाहाबाद से होके गुजरती है। तो ये तो हमने संदर्भ के रूप में बोल दिया, रेफरेंस के रूप में बोल दिया। पर हम कहते हैं कि भारत का विस्तार इतने अक्षांश से इतने अक्षांश तक, इतने देशांतर से इतने देशांतर तक, या एशिया का विस्तार, एशिया महाद्वीप का विस्तार इतने अक्षांश से इतने देशांतर तक। तो कहने का मतलब अक्षांश और देशांतर किसी भी स्थान की स्थिति को निर्धारण करने में पहले कंपोनेंट है, पहला कारक है, पहला एलिमेंट है। ठीक है, अब जो स्थिति तो हमारी ये हो गई ज्योमेट्रिकल लोकेशन जिसको हम बोल सकते हैं। फिर हम उसमें आकार जब बन जाता है तो हम बोल देते हैं भाई षटकोण है, ये अर्धवृत्ताकार है, ये लीनियर है, तो वो क्षेत्रफल के आधार पर हमने उसको बोला। अवस्थिति में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। अक्षांश के साथ तो है ही कि उष्णकटिबंध का क्षेत्र है, इस अक्षांश के ऊपर स्थित है, इसका आकार ज्योमेट्रिकल आकार यदि है तो ऐसा है, या समुद्र के किनारे ये नगर स्थित है तो ये सामुद्रिक या कॉन्टिनेंटल। जैसे हम बोलते हैं कि मुंबई जो है वो आपके ओशानिक लोकेशन वाला एरिया है, या मुंबई की जो लोकेशन है वो ओशानिक है, समुद्र पर स्थित है, सामुद्रिक है, और दिल्ली जो है वो कॉन्टिनेंटल टाइप है। ठीक है, या हम कहें मंचूरिया देश कॉन्टिनेंटल है, या हम कहें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे कॉन्टिनेंटल राष्ट्र हैं विश्व के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अवस्थिति के अंदर और उसमें स्पेसिफिक संदर्भ को जोड़ते हैं और विशिष्टता को जोड़ देते हैं। फिर हम बोलते हैं जैसे हमने कहा कि नेपाल जो हमारा देश है वो लैंडलॉक सिटी है, भूटान जो है वो हमारा लैंडलॉक सिटी है, लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल भी लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, आपका भूटान स्थल से घिरा हुआ है, और जैसे मंचूरिया इसको हम इसमें भी कह सकते हैं लैंडलॉक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इनकी स्थिति है वो मध्य में है, स्थल भाग के किसी बड़े भूभाग के मध्य में है। अब उसको बार बार, जैसे नेपाल को कोई यातायात करना है तो वो हमसे ही
कॉरिडोर लेता है, एक परिसर लेता है, छोटा सा रास्ता लेता है, मार्ग लेता है यातायात करने के। भूटान भी हमारे कॉरिडोर को फॉलो करता है। तो कहने का मकसद, यहाँ पर निकटवर्ती देशों के संदर्भ में जैसे हम कहते हैं ना, एक तो ये कॉरिडोर स्थिति मैंने जो बताई ये हो सकती है, दूसरा जैसे हम कहते हैं ना भारत हिंद महासागर के सिर पर स्थित है ना, ताज है, हिंद महासागर के सर का ताज है भारत, क्योंकि उसके ऊपर लोकेटेड है। और यदि हम एशिया की बात में कहें तो भारत एशिया के संदर्भ में पूर्ण मध्य में रहने, मध्य में स्थित देश है। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों तीनों तरफ से हमारा समुद्र है, तो हमारे जो भी पूर्वी गोलार्ध से जो जहाज़ आते हैं या पश्चिम से जो आते हैं वो सारे हमारे यहाँ पे रुकते हैं, फ्यूल लेते हैं हमसे, या हमारे को रेंट हार्बर के ऊपर रुकने का किराया देते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो कहने का मतलब निकटवर्ती देशों के संदर्भ में अवस्थिति भी बहुत ज़्यादा किसी भी देश के पर्यावरण के घटक को बनाने में सहायक है। ठीक है, अब बच्चों उच्चावच, सेकंड ज्योग्राफी के हम हैं। उच्चावच के लिए मैंने पहले पूर्व में भी आपको दो बार बता चुकी हूँ, फिर से सुन लीजिए। उच्चावच क्या कहते, किसे कहते हैं? समुद्र तल से ऊँचे उठे हुए समस्त भूभाग। अब उसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, तालाब सब आ जाते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो पर्वत क्षेत्र हैं हमारे उच्चावच के, ये हमारी एक विश्व विविधता या कई विभिन्नता में भी, कई विविधताओं में भी एकता, तो ये तो सामाजिक गुण आ गया। परंतु पर्यावरणीय घटक में हमारे पास में हिमालय भी हैं, ठंडी जलवायु भी है, मरुस्थल भी है, अति उष्ण जलवायु भी है, समुद्र भी है, आर्द्र जलवायु भी है, सम जलवायु भी है, और महाद्वीपीय जलवायु भी है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से विभिन्न रूप हमारे देश में, ऐसे विश्व के किसी भी देश को देख लें तो जिनका पूर्व से पश्चिम बहुत ज़्यादा विस्तार है या जो बहुत क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं, वहाँ पर भी जलवायु के ऊपर या वनस्पति, उसी प्रकार से वनस्पति भी विभिन्न प्रकार की पाई जाएगी, उसी प्रकार से जैव जगत भी विभिन्न प्रकार का पाया जाएगा। तो कहने का मतलब उच्चावच की विविधता बायोटिक और अबायोटिक सारे संबंधों में विस्तृत मतलब एक्सटेंसिव सीनरी, एक्सटेंसिव सिनेरियो प्रेजेंट करता है उच्चावच। ठीक है, अब उच्चावच के आधार पर तीसरा बिंदु हमारा होता है जलवायु। अब क्लाइमेट जो है दैट ऑल्सो कॉजेज अपॉन वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे कारक इसके ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे यहाँ तो वही समुद्र के निकट के क्षेत्रों की जलवायु मौसम अलग है, इस मध्य के भाग का अलग है, पर्वतीय क्षेत्र का अलग है, मरुस्थल का अलग है। तो भारत में तो अनेक प्रकार की जलवायु मिल रही है, परंतु कुछ ऐसे देश हैं जैसे चिली है, चिली पूर्व से उत्तर से दक्षिण उसमें तीन प्रकार की जलवायु कटिबंध है। उत्तर में बिल्कुल मरुस्थली पर्वतीय क्षेत्र की हो गई, मध्य में उसकी मरुस्थली हो गई, और दक्षिण में उसकी शुष्क शीत हो गई। तो कहने का मतलब अक्षांशीय आधार पर जो जलवायु है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो पूर्व में आपके अप्लेशन माउंटेंस हैं, उत्तर में बिल्कुल लेब्राडोर कोल्ड करंट मिलती है, तो ठंडी जलवायु सेंट लॉरेंस वाली जलवायु है, और मध्य में आपके फ्रेश वाटर लेक्स हैं और ग्रासलैंड्स हैं जो कि हवाओं के चलने से बनता है, चुनुक हवाओं के चलने से बनता है। उस पश्चिम में इतने विशालकाय रॉकी हैं, फिर कोस्टल पार्ट है कैलिफोर्निया वगैरह जैसे जो क्षेत्र हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ जिस प्रकार का उच्चावच होगा वहाँ उसी प्रकार की जलवायु बनती है, या जलवायु के आधार पर वहाँ उसी प्रकार की वनस्पति बनेगी। तो आप बच्चों देखो, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग ही बता चुकी हूँ, यदि आपने मेरा मानव भूगोल का पहला चैप्टर देखा हो, कि किसी भी देश के भौतिक विभाग, वहाँ की उच्चावच, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जीव जंतु जगत, वहाँ की कृषि, वहाँ के खनिज, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और ये बहुत एक विस्तृत अध्ययन का क्षेत्र होता है। तो भूगोल में ये सब चीज़ें आपको बहुत गहराई से अच्छी पकड़ के साथ आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जैविक कारकों में बच्चों आता है मानव। तो मनुष्य जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, उसको प्रकृति के सारे कारक प्रभावित करते हैं, और उन कारकों के साथ वो क्रियाकलाप करके, अंतःक्रिया करके उन पर अपना प्रभाव छोड़ता है, तो फिर वो मानवीय कारक परिलक्षित होते हैं। जैसे
मानवों ने अपनी आवश्यकताओं का सड़कों का निर्माण किया, रेल मार्गों का, हवाई जहाज़ों का, समुद्र तटों का, बंदरगाहों का, और अपने जैविक जीनोम्स को डेवलप किया, बायोटिक रिसर्चेस करी। तो इस प्रकार से उसने मानव ने जो कार्यकलाप करे, चाहे वो मानवीय कारक कहलाए, जीव जंतुओं के ऊपर जो शोध किए, अन्वेषण किए, वो सब उसके मानवीय जंतु जगत या जैविक जगत के बायोटिक कारक कहलाए। इसी प्रकार से बच्चों, मृदा जो है वो प्रकृति ने हमें मृदा दी है, पर उस मनुष्य ने उसमें अपने बौद्धिक कुशलता के आधार पर उसमें जैसे कई प्रकार के संशोधन किए, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया, उसकी सिंचाई के साधनों की उपलब्धता करवाई जहाँ नहीं है। इस प्रकार से मिट्टी के अंदर भी उसने अपनी दखल रखी मनुष्य ने, और मिट्टी को कई जगहों पर तो उसने अपग्रेड किया, और कई जगहों पर अधिक पानी के बहाव या रुकाव के कारण वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं का भी डेवलपमेंट कई क्षेत्रों में भारत में मिलता है। एक्सेस इरिगेशन होने से या एक्सेस पानी के बहाव रिसाव की वजह से वेटलैंड कॉन्सेप्ट भी आपका हो गया है। इस प्रकार से दोनों ही तरह की क्षेत्र हैं, पर मनुष्य को बहुत अधिक मात्रा में फूड मिला, तो इसलिए उसने उसको मृदा का सदुपयोग करने की बात बार बार कही। अब सातवां बिंदु आता है जलराशि, वाटर बॉडीज़। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकल जैसे स्थानीय जल समीर थल समीर जो है वो तो प्रभाव डालता है क्लाइमेट पे, वनस्पति जगत पे भी जो वाटर बॉडीज़ क्लाइमेट डालती हैं, मनुष्य के खान पान रहन सहन धोन घर वो मतलब वाटर बॉडीज़ के डोमेस्टिक यूज़ के लिए और कमर्शियल यूज़ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ बिसलपुर का पानी आ रहा है, जयपुर में बिसलपुर का, राजस्थान के भीलवाड़ा टोंक, इन सब जिलों में बिसलपुर पानी की वजह से काफ़ी लोगों के उसमें सुधार हुआ। जैसे आसपास में उन्होंने अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की साग भाजियाँ उगानी शुरू कर दी, आसपास का भूमि का जल स्तर ऊँचा उठ गया। तो कहने का मकसद, वाटर बॉडीज़ डायरेक्टली भी ही प्रभाव डाल रही हैं पीने का पानी से लेकर के और सिंचाई की सुविधा से लेकर सब तरह से, और उनका क्लाइमेटिक बेनिफिट्स भी उनको दे रही हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, पर्यावरण के घटकों में हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस ये इतना ही। थैंक यू।